भारतीय भौतिक चिकित्सक संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की गई। इस दौरान संघ ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है जो बिना किसी डिग्री के लोगों का गलत उपचार कर रहे हैं। भारतीय भौतिक चिकित्सक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में भौतिक चिकित्सकों के केवल 8 से 9 पद हैं, जिन्हें बढ़ाकर 50 से 60 किया जाना चाहिए और सभी CHC में भौतिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार ने सरकार से मांग की कि प्रदेश में अलग भौतिक चिकित्सा परिषद का भी गठन किया जाए, साथ ही भौतिक चिकित्सकों को सभी सरकारी लाभ और सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल डॉक्टर अमित ने सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जो बिना डिग्री के लोगों का गलत उपचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में केवल हिमाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां भौतिक चिकित्सकों का कोर्स नहीं होता है। उन्होंने मांग की कि IGMC में 15 से 20 सीटों का भौतिक चिकित्सकों का कोर्स होना चाहिए। हमारे कुछ डिमांड्स हैं जो हम स्टेट के सामने रखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के सिर्फ 8 से 9 पोस्टें हिमाचल प्रदेश में, जो कि बढ़ाकर कम से कम 50 से 60 की जाए। हर एक CHC लेवल पे एक फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट हो और जो भी फिजियोथेरेपिस्ट पहले से गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको रेगुलर पोस्ट पे क्लास 2 सैलरी ग्रेड में कंसिडर किया जाए। इसके साथ हमारे लिए एक फिजियोथेरेपी काउंसिल, इंडिपेंडेंट फिजियोथेरेपी काउंसिल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी यहाँ रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में होती है और वो हम पैरामेडिकल काउंसिल में नहीं आते। वी आर नॉट पैरामेडिक्स, हम एक टेक्निकल ग्रुप्स हैं जो 4.5 साल की जनरल ग्रेजुएशन डिग्री करते हैं, 2 साल की मास्टर्स डिग्री करते हैं और उसके बाद 3 साल की PhD डिग्री करके डिफरेंट पोस्ट पे। तो पूरे इंडिया में लगभग 6 से 7 स्टेट में जहाँ अभी काउंसिल बन चुकी है और पूरी तरह कार्यरत है। हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी काउंसिल के लेकर कुछ भी नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है। इसी सिलसिले से पहले भी हम ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री RD धीमान जी से मिले और उन्होंने काफ़ी तारीफ की हमारी और हम भी सरकार की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। बशर्ते कि फिजियोथेरेपिस्ट को भी स्वास्थ्य सेवाओं में एक अहम पोस्ट दिया जाए, उनके भी सैलरी, R&Ds एंड प्रोमोशंस एंड अदर जो भी सरकारी बेनिफिट्स हैं, छुट्टियां से लेकर उनके जो CA लीव्स एंड पेंशन तक की सिवा GPF की सुविधाएं दी जाएं। फिजियोथेरेपी के नाम पे कई जगह क्वैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई जगह पर लोग जो हैं बिना डिग्री के लोगों को ट्रीट करने का उन्होंने लगा रखा है, मशीन्स लगा रखी हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी नहीं है, वो इमीजिएटली बंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये रखना चाहता हूँ कि हमारा ही एक ऐसा स्टेट है हिमाचल का फिजियोथेरेपी का, जहाँ पे फिजियोथेरेपी का गवर्नमेंट सेक्टर में कोर्स ही नहीं चल रहा है। PGI चंडीगढ़ में 17 फिजियोथेरेपिस्ट एम्प्लॉयड हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट एम्प्लॉयड है इस वक्त एज़ कम्पेयर टू PGI चंडीगढ़। पंजाब सेक्टर, पंजाब ले लीजिए, हाँ वो भी रेगुलर नहीं है हमारा, यहाँ पे हमारा रेगुलर के पोस्ट नहीं है, वो भी क्रिएटेड। और उसके अलावा हमारे पास 29 स्टेट्स में फिजियोथेरेपी का कोर्स जो है 4.5 साल का, हर 29 स्टेट्स में गवर्नमेंट सेक्टर पे चल रहा है और हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फिजियोथेरेपी का कोर्स ही नहीं चल रहा है 4.5 साल में। तो सरकार से यही गुजारिश है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 15-20 सीटों का कोर्स भी नियुक्त किया जाए, जैसे नर्सिंग का कोर्स चलता है वहाँ पे, MBBS चलता है, डेंटल चलता है, तो फिजियोथेरेपी का भी कोर्स शुरू किया जाए। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन्हें पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।